सर सर दिस दिस हैज बीन अ टफ वीक बिकॉज़ इस था मैं को को नहीं देख पाया <laughs> अबे यार मेरे को, मेरे <laughs> को लगा तुम तुम, मेरे लिए और के लिए बोल तुम तो अपने लिए बोल रहे हो अबे यार क्या टफ वीक रहा है पीटूंगा ना बकवास कर रहा है ठीक है ना एक तो मैं तेरे को दक्षिण से कह रहा था

डेली वैसे मैं तीन बजे सो के फिर ऐसा सुबह स्कूल के लिए उठ रहा था ठीक है उसके बाद एक दिन तो भाई साढ़े छह बजे सा... नहीं साढ़े छह बजे काम से उठा सात बजे जाके सोया नौ बजे फिर उठ के स्कूल भाग हूं ठीक है फिर शाम को मैं आता हूँ साढ़े सात बजे आते ही तुरंत पहले स्क्रिप्ट फिर रिकॉर्डिंग uh, फिर एडिटिंग तू कह रही है मेरे लिए टफ नहीं है फिर तीन बजे सोता हूँ तू ने दिल तोड़ दिया नहीं मेरे लिए मेरे लिए टफ नहीं था बोल के उसने अपनी औकात दिखा दी नहीं है तेरे टफ फिर से बोल रहा हूँ ठीक है भाई और तो दिखाई दी ना this, this was bound to happen. This was not, ठीक है और और एक सेकंड एक एक क्या करने मत, बोल, नहीं मत बोल अरे रुक आवाज नहीं निसन रुक दिसन रुकी मेरे ईयरफोन का वायर निकल गया पता नहीं क्या हर बार का है रुक जा एक सेकंड हाँ अब बोल हर बार का है तेरा ये नहीं बार गलती हमें पता चल गई अच्छे से तो फिर यही बात करी तो पता भाई पिछवाड़े के नीचे दबा रह गया था यार रह <laughs> <laughs> रह गया तो रह गया तो ब्रो टू मच खैर 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 अच्छा जब तूने बोला तुझे तो घुसाना नहीं आता वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी सो हेलो एवरीवन आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका हमारी एक और नई वीडियो में एक और नई पॉडकास्ट में जो कि है इस बार 19 ठीक है उन्नीस हफ्तों तक तुम लोगों ने सर्वाइव कर लिया उन्नीस हफ्तों तक हमारी बहुत ज्यादा टूट चुकी है बट दैट डज नॉट मैटर ठीक है यहां पर मैटर यह करता है कि हमारे ओडा साहब ने हम लोगों को एक नोट दिया है जिसमें कि लाइक कुछ हिंस हमें फेंक के मारे हैं फोर वगैरह किया है जो कि अगर हम समझ जाए तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बन सकती है व्यूज आ सकते हैं हम रिच रिच हो सकता है जो कि हमें लेकिन समझ में आएगी नहीं और अगर आ भी जाएगी तो फिर तुम लोग बस गालियां बकोगे क्योंकि दैट्स यू आग पीपल लाइक पता है लास्ट ईयर जो ओडा ने मैसेज दिया था ना ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए उसमें से काफी चीजें सच हुई है

अगर तो उस बंदे ने जो इफ लगाया ना वो बड़ा सही लगा कह रहा है कि अगर स्ट्रॉ हैट सही सलामत निकल जाता है गड आइलैंड से मतलब कि भाई तो अभी बहुत ज्यादा मसड़ और चलने वाली है बहुत कुछ है तो कह रहा है कि अगर निकल गया ओडा भी लाइक अपने को नहीं पता निकलेगा नहीं निकलेगा पर निकल अगर गया निकल गया तो, तो फिर मैं मैं चाहकर भी ठीक है लूफी को नहीं रोक पाऊंगा उस जगह पर जाने से उस आइलैंड पर जाने से

मतलब भाई भाईंट्स को रिक्रूट कर रहा है भाई दैट वाज द मोस्ट एंड पता है एक तो क्या ओडा भाई क्या मास्टरपीस है मतलब पूरे एपिसोड नॉर्मल चलेगा नॉर्मल चलेगा नॉर्मल चलेगा एंड में एक हाइप मोमेंट दे देगा दे और फिर चैप्टर हाँ, <laughs> बोलेगा 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 जानना है तेरे को अगली अगले में अगले में अभी नहीं बता रहा ऊपर से ऊपर से अभी अगर मैं बताऊं उपर से अभी आने में भी वी का वो ब्रेक आ गया है और उसमें भी ब्रेक आ गया है में भी। अब पता है सीन क्या मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर ओडा यूट्यूबर होता मिस्टर बीस्ट से ज्यादा लोग रुक नहीं पाता अगली वीडियो के लिए और ओडा ने बेस्ट मैसेज में भी बोला फ्री है तो तुम जाके देख सकते हो लेकिन जाके देखो मत कर पे क्रंची रोल को करता है ना कर इंडिया इंडिया, इंडिया में, में नहीं, नहीं है बस सबसे सब दुखद बात है वीपीएन देखना पड़ेगा कोई नहीं भाई अपने लौंडे भाई अपने इतने पायरेट्स तो, देखा स्पैरो मारते हैं तो वो वीपीएन तो लगा ही कामों के लेके लग जाते हैं तो फिर इसमें नहीं आ, लगेंगे अच्छा वीपीएन चाहिए तो फिर इट्स चाइनीज गवर्नमेंट भी वो करती है प्रमोट खैर वो वाला पॉइंट अलग है अभी फिलहाल हम लोग वापस ओडा पे आते हैं तो ओडा ने बोला कि दैट आइलैंड ठीक है अब जैसे कि हम लोगों ने इफ तुम लोग हमारी शॉर्ट्स भी देखते हो जो कि मोस्टली देखते ही हो गए ऑब्वियसली क्योंकि हमारी आधी ज्यादा ऑडियंस शॉर्ट वाली है तो फिर उसमें हम लोगों ने बताया भी था कि अब बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे कि एल्बाफ है ठीक है बट वी पर्सनली डोंट थिंक कि वो एल्बाफ है क्योंकि जिस तरह से ओडा ने बोला कि वहां पर वो जाएगा और मैं उन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट को नहीं रोक पाऊंगा ठीक है फॉर दैट थिंग अब ओडा ने यह भी नहीं बताया कि वो क्या चीज है कि एक चीज के पीछे दो कैरेक्टर्स लड़ेंगे और उसका जो आउटकम होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा ठीक है अब ऐसे कौन से दो कैरेक्टर हैं जो कि इस टाइम पे एक चीज के लिए लड़ सकते मेरे को दिमाग में ना तीन पॉसिबल फाइटे शैंक्स वर्सिज ब्लैक बियडेज मीहॉब फाइट फॉर फाइट फॉर फाइट शेंस वर्सिज ब्लैक फॉर चल रही आ रही है ना देख देख याद कर शैंक्स ने बोला था कि शैंक्स जब व्हाइट बियर्ड के पास मिलने गया था ठीक है तब वो ब्लैक बियर्ड को बता रहा था कि आ, मेरे को नहीं नहीं आई आई अंडरस्टूड कि तुम क्या बोल रहे हो मैं बोलना चाह रहा हूं यहां ओडा ने ये बोला था ना उस चीज के लिए लड़ेंगे course, तो जो piece, दो कैरेक्टर लड़ेंगे किसी एक चीज के लिए वहां पर कोई चीज होगी उसके लिए लड़ेंगे पीस तो इज अ एंड गोल

भाई क्या होता है डेटिंग फूल देना डेट्स पे जाना है तेरा सीधा <laughs> दिल लूंगा मैं ठीक है बकवास नीचे मेरे को मेरी है तू पीछे वो भी तो ऐसे देख रहा भैया ये क्या चल रहा है एंड पता है सीरियसली खैर ये वाला आज ना मेरे को किसी ने रील भेजी है वाली सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ लेकिन अगर मैं बाद में बताऊंगा ना हाँ। तो ये रेलिवेंस नहीं रह जाएगा मत मतलब हाँ, नहीं रहेगा इसका तो, तो आज किसी ने मेरे को रील भेजी उसमें वो गाना नहीं है जो कोई कातिल समझता नहीं वो, वो तो समझ तो तो मैंने को उसको, मैंने उसको, मैंने तो तो इसकी स्टोरी जाननी है तो उसने लिखा यस मैंने आधे घंटे टाइप किया है और यहां से यहां से अब दर्द की दुख की काथे शुरू आधा घंटा टाइप किया भाई वैसे कुछ भी बोलो वो भी तो इज इंस्पिरेशन ठीक है रीन के लिए ही स्टार्टेड पूरी ग्रेट निंजा वॉर पूरी दुनिया बर्बाद करने को तैयार था लोंडा टू गेट हर बैक और भाई वैसे अगर देखा जाए तो ही सॉ हर अगेन जो फाइनल फाइट हो रही थी जब दोनों ने काकाशी का साथ दिया था वहां पे दूसरी आंख काकाशी को देकर जब उसकी आंख फोड़ दी गई थी जब उसने अपना प्रॉपर सुसानो बनाया था काकाशी ने जब वो हैरान हो गए थे नरूटो और सास के भी पहले नरूटो को लगा था कि सास और सास के भी लाइक अबे मेरा तो नहीं है कौन है यहाँ पे कौन है ये मैं तो हुई नहीं <laughs> भाई तब उसने ओबितो ने फिर से देखा था रीन को मोमेंट वाज लाइक ठीक है एक वे में नहीं दूसरे वे में देख तो लिया ना एंड में साथ तो है ना एंड दे वो उनको वो भी फेल्ट हुआ था कि काशी और काशी और ओबितो को रीन खींच के लाई थी याद है

भाई भाई होता होता है भाई, तुम्हारे ही होता है तुम्हारे किसी किसी और किसी का क्या दिन अगर है? इसकी कोई, ना तुम किसी को? दिन दिन इसकी कोई कोई दिन तो मैं वीडियो लीक कर दूं तो प्लीज ये वाली क्लिप इसको यहाँ पे वापसी दिखा देना ठीक है मैं कभी कभी गालियां जरूरी भी होती है भाई कभी कभी ये वाली क्लिप मत लगाना लेकिन ठीक है तू <laughs> ये लाइफ की तरह सेट नहीं होती बाल की तरह पे हमारा बहुत ज्यादा एक ब्रेक लग गया था reason, so really और अभी इस... अभी exactly क्या हम लास्ट बात कर रहे थे वो तो नहीं पता लेकिन ओडा के नोट के ऊपर बात कर रहे थे और वी वर टॉकिंग अबाउट कि कौन हो सकता है ठीक है बोला था शैंगस एंड लूफी एंड मीहॉक और जोरो अब आगे बताओ तुमने तीन बोले एंड

और ऑब्वियस सी बात है अब फाइनल सागा आ रहा है और फाइनल, फाइनल फाइनल फाइट जो अगर बानो चार साल चल सकता है तो फाइनल फाइट तो पांच छह साल चलेगी ना यार <laughs> वो तो ऑफ कोर्स सी बात है तो इसीलिए भाई भाई एक तो एक तो चीयर्स टू डॉट आई हैव नथिंग इन माय हैंड टेक सेकंड चल तू वो अब ना आका आने का सही टाइम है मैं रीजन बताता हूँ इवेंचुअली शैंक्स और लूफी की लड़ाई भी होनी है वो दुश्मन वाले वे में होना हो बट वैसे तो होने फ्रेंडली होनी, like होनी, होनी, होनी ही होनी है ठीक है ए एक तो उनकी एक को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक उसकी है लड़ाई एग्जैक्टली यू आर माई सेंसे माइ मेंटोर वट एवर ठीक है तुम्हारे साथ मैं लड़के खुद को साबित करूंगा वो वाली बात है ठीक है तो वो भी होनी I'll होनी है पास यू ये नहीं, बोल रहा था पता लेकिन मेरी अंदर की होना <laughs> उसके अलावा जो है ब्लैक बियड उसके साथ भी होनी होनी, होनी है फॉर श्योर sure, ठीक है इमू सामा का भी भड़वापना में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है hmm. अभी अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम पे बेस्ट जो बन रहा है सिनेरियो, जो कि मतलब एक थोड़ा सा पहले के उससे लेवल अप भी है, विलेंस में से, मतलब नहीं, एनिमी, है? मेरे हिसाब से अभी उसके साथ फाइट का बेस्ट है क्योंकि शैंक से लड़ने की अभी लूफी में औकात है नहीं लेट्स uh, ठीक है शैंक्स को इतना भी ज्यादा छूतिया नहीं समझते है. है, लेकिन पता है शैंक्स शैंक्स से कितने लोग लड़ना चाहते हैं भाई कितने लोग और अभी तो ड्रैगन की एंट्री नहीं हुई यार ड्रैगन की एंट्री Drag... नहीं हुई भाई कितने बड़े Drag... बड़े प्लेयर्स अभी रह रहे आने आने ड्रैगन हाँ। Dragon चचा बी लाइक ब्रो डोंट फॉरगेट माय रेवोल्यूशनरी आर्मी यार I, इतने सालों से मेरी हाइप बना रहा है मेरा राइटर तो कुछ तो सोचा होगा ना हाँ। लूफी का बाप हूं <laughs> मैं बाप घर घर मेरा बाप है <laughs> मैं लूफी का बाप मेरा बाप और पॉसिबली मेरे बाप का बाप का yes. यस <laughs> तो वैसे यार कितना सही लगेगा ना मंकी डी कॉन्ग ने दोनों मैच कर अभी रहे भी अभी भी क्या वो फ्लीट एडनल की उस वाली पोजीशन में है सुपर फ्लीट एडन वाली हाँ लास्ट टाइम हम लोगों को वो जब दिखाया गया था उसके बाद से कुछ एस वो नहीं दिखाया गया उसके बाद से कोई बड़ा क्या कहते हैं उसे पोजिशन uh, चेंज जब उसको लास्ट टाइम दिखाया गया था ठीक है अरे उसके बाद वो बना था फ्लीट एडमिरल आका उसके अलावा और कहीं पे कुछ पोजिशन चेंज ऐसे हमें कुछ खास देखने को मिले नहीं है ठीक है तो फिर आई थिंक वही होगा तो फिर अकॉर्डिंग टू मी दैट पर्सन जो उसने बोली थी फाइट इट कैन बी आका इफ वो कर रहा है लूफी से अगर लूफी से फाइट होगी ठीक है क्योंकि उसने ये नहीं बोला उड़ाने उस वाले मैसेज में कि लूफी एंड दैट पर्सन आकाई नु सॉरी उसने ओडा ने बोला दैट पर्सन एग्जैक्टली ओडा ने बोला दैट पर्सन एंड दैट पर्सन तो फिर हो सकता है कि कोई दो अलग कैरेक्टर्स भी हो ठीक है तो ऐसे में आई थिंक ड्रैगन आ सकता है क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मीज ऑन मूव तो ड्रैगन हो सकता है कि किसी से भिड़े मैं ये कह रहा था कि जो मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट मेरे को लग रही है ना जो मेरे को लगता है कि होनी चाहिए हुँ. सेंट गार्डन मतलब हमारे शैंक्स के फादर साहब प्रोबब्ली 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 हां प्रोबब्ली हां और और ड्रैगन के बीच में भाई ये बहुत इनसेन फाइट होगी ये बहुत इनसेन फाइट होगी भाई वो बंदा पता है जो शैंक्स का फादर साहब हम जिसको कह रहे हैं फिगरलेट नाम है ना सो फिगरलेट हां हां फिगरलेट भाई वो कितना मर्सीलेस आदमी है भाई भाई सेलेस्टियल ड्रैगन वाला सीन भाई क्या मर्सीलेस आदमी है

कैडा सीन भाई मैं इनके भाई अगर ये एनी अगर है ना सीरियसली भाई मेरे दिल को जो सुकून मिलेगा ना भाई मजे वो वो वाला गाना आराम आता है दीदार से दीदार से, से तेरे, तेरे। <laughs> एक लम्हा <लंगा। laughs> भाई कैडा सीन था भाई ओ भाई भाई यार सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ ये देखने के लिए तो भाई मैं खुश हूं मेरे को देखना है ये पर भाई उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ जिसने सीरा की हेल्प की थी हाँ बट एक टाइम पे नहीं ठीक है वो हरामी था बट वो सही, तो सही वो सही हो गया ना वो सही हो गया ना लेकिन उसको उसको जो गलती मिली वो उन्हीं कर्मों के लिए मिली पुराने कर्मों के वजह से ठीक है कर्म ऑलवेज हिट्स बैक ब्रो व्हाट व्हाट कैन वी से ठीक है येत वाली बात तो हमारे ओडा साहब ने भी कर दी है स्टेट ये करके अब मेन चीज ये है कि ओडा ने ये बोला कि एग हेड के ठीक बाद में ये वाली चीज होने वाली है ठीक है अब मेरा ये मानना है कि देख जे, देखो जैसे कि अभी ड्रैगन भी बहुत ज्यादा उसमें आने लग गया है लाइक काफी मूव्स अपने करने लग गया है ड्रैगन भी ठीक है हमारे जो शैंक्स चिचे हैं उनकी भी अपियरेंसेस बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही है छह एपिसोड में तीन बार आया तो भी मैं वही चलेंगे बाकी शैंक्स ने तो अनाउंस भी कर दिया अब तो अपन भी वन let's पीस की, की फाइट में अपन भी अपन भी जाएंगे अब वो थोड़ा सा ना चेंज होगा डायलॉग था ना अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे अब घोड़े भी गधों की रेस में दौड़ेंगे ब्रो शैंक से ऊपर कोई घोड़ा नहीं है।, है ठीक है मेरे को मेरे, मेरे कर्णा कर्णा दिमाग को में मेरे की... दिमाग में सुनो ना मेरे दिमाग में एक बड़ी गंदी लाइन आई मेरे को शायद से यहां पे म्यूट करनी पड़ेगी शैंक से बढ़िया कोई घोड़ा नहीं है और आका इन से बड़ा कोई नहीं है ओके ओके नाइस नाइस ये कुछ दिल की बातें है यार वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट राइट ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर एक चीज और आई मेरे दिमाग में सर क्या ड्रैगन बी जस्ट टू प्रूव इट इच्छाएं पूरी जरूर होंगी हाँ, साथ में लड़ रहे हैं। साथ में लड़, लेकिन, लड़ रहे हैं। लेकिन, लेकिन ना ये सही नहीं होगा स्टोरी के सही के नहीं होगा मैं exactly कहने था तुमने बोला ना कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा होगा मैं तुम्हें पर्सनली अगर अपना पीओवी इस चीज के ऊपर बताऊं जो वन पीस है उसको क्लेम करने में लूफी की हेल्प कोई भी ना करे ना ऑब्वियसली उसके क्रू को छोड़ के कोई भी ना करे तो दैट विल बी फॉर बेस्ट क्योंकि वो लूफी का ड्रीम है और स्टार्टिंग में सिर्फ लूफी अकेला लड़ता आ रहा है ठीक है मतलब क्रू को एक ही पार्टी मानते हैं तो अकेला लड़ता आ रहा है और अब ऐसे में अगर एंड टाइम में जाके कोई और किसी और की मदद से हो तो फिर वो उसके कैरेक्टर के लिए उसकी स्टोरी के लिए उसके पूरे स्ट्रगल के लिए जस्टिफिकेबल नहीं होगा मैं कह रहा लूफी सबसे लड़े एंड में भाई ड्रैगन से भी लड़े एंड में ड्रैगन से बोले बोले देखो बात ऐसी है मैं अपने मेंटोर से तो लड़ लिया पप्पा जरा आना एक बारी कुछ बात करनी है शैंक्स शैंक्स और लूफी की जस्ट फाइट खत्म हुई ठीक है सौ डेढ़ सौ एपिसोड लगे उसको लगने आने में ठीक है तो उसके बाद लूफी बोल रहा है लेट्स हैव अ फाइट ओ भाई लेट्स सौ एपिसोड और गए और सुनो सोचो धमकी भी क्या देगा वो ड्रैगन को पापा वैसे भी मेरा ना ड्रैगन्स के साथ इस, आ, र, आ, स्किपिंग रोप वाला सीन बहुत फेमस है ठीक है लोगों को आता मजा तो मरीन फॉर 2.0 हो ना हो ड्रैगन स्किपिंग रोप 2.0 जरूर होगा यार लेकिन मेरे को मरीन फॉर 2.0 चाहिए यार साला साबो को पकड़ लो डाल दो उसको भाई साबो को ना पकड़ के सर लूफी को भाई इससे बड़ी का ना सीन ही नहीं है भाई सोच ड्रैगन भी आएगा, 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 आएगा really? रेली really? हाँ, 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 हाँ. प्लीज, प्लीज. बो आजा पाए रहे और मेरे को उस टाइम पे पता है सबसे ज्यादा मजा किसको देखने में आएगा टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा मजा ठीक है शैंक्स ड्रैगन सबके सब के आ रहे हैं वो तो ठीक है मेरे को सबसे ज्यादा मजा आएगा अगर फ्रंट लाइन पे सबसे आगे ज़ोरो खड़ा हुआ उसके चेहरे पे उसकी आंखों वो गुस्सा देख रहे मजा आएगा भाई मेरे को घूसबस आ रहा ब्रो सोच के और और लूफी बुआ आएगी और कहेगी लूफी आई वाना मैरी यू मैरी यू करके उसके ऊपर सबको मारते हुए निकलेगी वो आई वाना मैरी यू एनीवे तेरी तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पति को वो करने की कैप्चर करने की भाई कसम से भाई भाई देखो सबके सब ऐसा सबकी फ्लीट्स आ रही हैं ठीक है अब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है बट आ सकता है मेरे दिमाग में भी ये आ आ, रहा है क्रोकस आई थिंक क्रोकोडाइल का इतना भी ज्यादा बगी अगर बगी भी हेल्प करने आए भाई आ सकता है मैंने ये नहीं बोला कि आएगा मैं कहू आ सकता है बगी भी क्योंकि पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ बगी वो बंदा पागल है फेम के पीछे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पुराने वाले मरीन फोर्ड में देख लिया वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वो वहां पर आ सकता है और किस से आएगा वो सोचेगा सबके सब हेल्प सब कर रहे हैं ड्रैगन और शैक्स भी हेल्प कर रहे तो जीतेगा तो लूफी लूफी की साइड ही तो फिर मैं भी उसमें जाता हूं, और भी फेम मिलेगा, तो वो इस के साथ bad, भाई यार, से अभी वो भाई रेली वाला सीन भाई जब, जब, जब उसने देख लिया भाई बोआ को बचाने को भाई क्या था वो भाई पागल हो गया देख के ओ भाई भाई वो, वो बहुत है? गलत सीन था वो सॉर्ड कहता है निकल भाई वो स्वॉड लेके आ रहा हर तरफ हाकी फैल रहे हो ब्रो उसको देख के लगा कि ये बंदा इसका शैंक्स का कैप्टन कैप्टन था ठीक है पेंटोर टीचर था अब लग रहा है ये था ठीक है भाई? भाई देख शैंक्स वाला स्वॉड वाला सीन और रेली का स्वॉर्ड वाला सीन कितना सिमिलर सा लगता हाँ, है और पता है सीन क्या आ, पहले मेरे को लगता था कि हमें रेली का जो वो वाला सीन था क्या कहते हैं दो सीन मुझे बहुत ज्यादा बैड लगते थे एक तो जिस स्पीड में आके कीजारू की लात पे अपनी लात मार के रोकता था एक तो वो और दूसरा जो मार्को को अपनी प्राइम में उसने सिर्फ एक उंगली से रोका था मैं इसका बैड कुछ फील नहीं हो सकता पर भाई ये देखने में जो लगा भाई वो बोआ को ऐसे लेके खड़ा हुआ है ब्लैक बियर्ड भाई वहां पे पीछे पड़े हैं मरीन्स और वो बंदा आ रहा है भाई बीच में चलते हुए ब्रो और उसकी शक्ल देखने वाली थी यार ब्लैक बियड की उस टाइम पे ओ भाई एंड अच्छा तूने वो देखा वो वाला काफी नए वाले हाँ मैंने देख लिया मैंने वो भी देखा भाई उसने क्या कुत्ता बना दिया ब्लैक बियड का मीहॉक वाले ने भाई ब्लैक मैं कह रहा हूँ मीहॉक वाले ने मतलब उसके बंदे द नेम दैट्स बंदेट ने ब्लैक बियड हर जगह पिटने की हालत में क्यों हो मेरे को ये जानना है अरे इससे मेरे को एक बात और याद आई हुँ? कि आ, तेरे को वो पता शाकी का तेरे को पता शाकी वाला सीन शाकी नहीं अच्छा इसमें ये भी रिवील हो आ, कि शाकी वो पूजा पायरेट्स के साथ थी ये वाली बात कंफर्म हो गई ये लोग अभी भी इस बात पे डिबेट कर रहे थे लेकिन अब एनीमे में आ गया तो अब लोगों की डिबेटें बंद हो चुकी है ओके सो शी वाज विद पूजा पायरेट्स लाइक शी कैन बी सेकंड जनरेशन बोआ से पहले वाली बोआ के पहले वाली जिस प्रिंसेस की वो भी बात हो रही थी कि लव में पड़ गई लव फीवर वो yes. रियली चचा कुछ तो बात है आप और, में और ये भी ये भी वो थी ना स्पेकुलेशंस की शकी जो है उसके रॉक्स के साथ थी बट वो भी अब खत्म हो गया वो भी खत्म हो गया अच्छा सुनो पुरानी प्रिंसेस को रेडी लेगा नई को लूफी लेगा नई लेगा शैंक्स भाई है? नहीं नाउ आई नो नहीं शैंक्स भाई उसके साथ है वो पीछे फोटो दिख रही है तुम्हारे शैंक्स वहां है शैंक्स वहां है फोटो लेके बैठे बोल रहे शैंक्स का है शर्म है तुम्हें कुछ ठीक है अब 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 मुझे समझ में आया कि रेली ने लूफी को क्यों ट्रेन किया रेली भी लाइक घर का मामला है यार। दोस्त का मामला है दोस्त का

कि जाने का है तो जाने का है ठीक है सर एक बात बोलो एक बात सुनो आपने बोला फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करना फिर आप फैक्ट्स फैक्ट डाल रहे हो सर <laughs> सॉरी ब्रो मैं अपनी खुद की स्टेटमेंट पे खड़ा नहीं उतर पा रहा सर ये हूँ मर जाते आपने एक बात बोली है ना इससे हर कोई परेशान है भाई देखो पता हर कोई इससे वो है जूझ रहा है पता है एक आदमी का क्या सीन होता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है सामने कोई भी खड़ा है कोई भी लड़की खड़ी है लड़का खड़ा है वो किसी की नहीं सुनेगा ठीक है सामने वाला चाहे कोई चीज बोलते बोलते मर जाए वो करेगा वही जो कि उसके मन में होगा पर वो एक औरत होगी जि जिसने कुछ बोला और बंदा मानेगा चाहे कुछ हो चाहे कुछ भी बोल दे ठीक है परेशान है कुछ भी है नहीं कर रहा उस बंदे को उसने बोला करने का है तो करने का बाकी वही वाली चीज चाहे सारे सौ लोग बोले लड़ाई हो जाए महायुद्ध शुरू हो जाए नहीं करेगा नहीं करेगा भाई बंदा उसने बोल दिया तो अब नो ऑप्शन अब करना पड़ेगा एक इसका एक एग्जांपल एग्जांपल इसका दे देते हैं हम हम यस सर रिसेंटली एनिमल मूवी देख के आए थे तो उसमें रक्ष्मी का मन गाना रणवीर रणवीर कपूर को बार बार बोलते सिगरेट छोड़ दे सिगरेट छोड़ दे सिगरेट छोड़ दे बट जैसे ही आ, उसका नाम क्या है भाभी टू भाभी 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 टू टू नहीं जब आती हैं और वो कहती हैं वो ऐसी लाइट कर रहा होता है वो ऐसे करती है और भाई वो बंदा छोड़ देता है सिगरेट सिगरेट ले लेती है भाई उससे ले लेती है खुद ऐसा निकाल लेती है उसके मुंह नहीं, नहीं, उस तो से ना एक और वो बताता हूँ ठीक है ये तुमने एग्जांपल दिया बट उस टाइम पे तो वो वो कर रहा था ना उसको फसा रहा था ठीक है वो हटा देखो इसी का इसी वाले मूवी में से एक और अच्छा एग्जाम्पल है उसके बाप के बारे में सारा दुनिया जहान ने कितना कुछ बोला और उसने सबकी गांडे तोड़ी मंदाना ने दो से तीन बार उसके बाप के ऊपर बोल दिया ये तक बोल दिया आई विश योर फादर वुड है नहीं बोला भाई थप्पड़ भी नहीं कुछ नहीं ठीक है वो अलग वाले वो वाली बात अलग बंदूक ले आया पीछे गोली चला दी पर उसको कुछ नहीं किया तो उस एक औरत के पीछे भाई आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है कुछ नहीं कर सकता That's फिरी? also true, sir. अरे यार एक बता हु? अब देख फोर बचे हैं को को पता है लाफ वो, वो उसको पता है वो वो बकचोदी बकचोदी खेल रहा है सबके बीच में जाके है। वो है देखो तीन बच्चे खड़े हुए हैं वो बीच में जाता थीक है बस बकचोदी मारने के लिए ठीक है इसको लात मार के भाग जाएगा वो वाला सीन चल रहा है उसका ठीक है अब लूफी के पास तीन पोनी हैं ठीक है बगी के पास कितने होंगे क्या लगता है जीरो जीरो बट उसके पास अब क्रोकड़ा नियॉक आ चुके हैं अब आए हैं तो फिर अब पोनी आ जाए तो अलग बात है बट अभी आई थिंक जीरो हाँ ठीक है बचा ब्लैक बियर

वही वाली बात है तो फिर हो सकता है कि ये भी हो सकता है इसी बात पर फाइट हो कि लूफी फाइनली ब्लैक के पास जाए लड़ने के लिए एक तो उसको बदला लेना दूसरा उसको अचीव करना है हो सकता है इन दोनों कुछ आया ओडा ने अभी रिसेंट मैसेज में यही तो बोला उस चीज के लिए उन दोनों कैरेक्टर्स की लड़ाई होगी क्या वो चीज फोर्थ पोनिंग लिफ्ट नहीं हो सकती और क्या तो क्या, क्या क्या बगी सॉरी बगी कह रहा हूं लूफी और ब्लैक ब्लैकबियर की उसके पीछे फाइट नहीं हो सकती हो तो सकती है लेकिन फिर पुराने पुराने भी तो आएंगे एस को मार दिया एस तेरी वो, से वो, बर तो बर ग्रज है भाई। हाँ। वो, तो तो बिगेस्ट बिगेस्ट ग्रज ग्रज है वैस, है हाँ। भाई वैसे एक सही बात बताऊं उस टाइम तक जो इम्पेल डाउन था जहां पे कि उसको ब्लैक बियर्ड मिला था लूफी को वहां पे जहां पे कि वो छोटी सी फाइट भी हुई थी मुक्के में रुला दिया था लूफी ने आगे का सीन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट

लॉर्ड बगी भी उसके साथ थे बट वो ऐसे छोटे मैटर्स में, में अपना हाथ नहीं डालते भाई सीरियसली बगी को वो लोग इम्पल डाउन ब्रेक करने के लिए मानते हैं that the mastermind. The बल्कि, mastermind. बल्कि वो बस फॉलो कर रहा था हाँ, मरीन, for, मरीन फोर्ड में भी उसको सबसे बड़ा ऐसा उसका हाथ मानते हैं प्लस रेड हेयर शैंक्स का उसको दोस्त मानते वो तो एक्चुअली है बट है मानते ठीक है

अरे अरे बेबी सुनो तो सही आई तो मैं अकेले रहता हूं। अरे बेबी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो ठीक है फिर बीच में उसने रख दिया क्यूटू सा बगी। ओ, तो कितना क्यूट है थीक है थीक है चलो ठीक ठीक अब सेवन बॉर्डर डिमोलिश हुए थे तो बगी के पीछे भी आएंगे बरीन्स कोर्स तो वहां पे क्रोकोडाइल और मियोक आ जाते हैं और बरीन्स को वहां से भगा देते हैं ठीक है बगी का एक आइलैंड है वहां पे वो लोग क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल बगी में तो वो मारता है ला पैसे दे मेरे <laughs> तूने मेरे से पैसे लिए थे ठीक है वो रोने लग जाता है मेरे पे पैसे नहीं है माफ कर दो मालिक मैं तुम्हारे जूते मैं तुम्हारे जूते चाटूंगा ये वो फलाना बहुत कुछ करता तो फिर सारा कुछ होता है ठीक है तो फिर वो कहता है कि मैं जो है तुम्हारे अंडर काम कर लेता हूँ और मेरे जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तुम्हारे और उसके फिर उसने पोस्टर्स बना के भेज दिए उसमें बगी ने अपना चेहरा थोड़ा बड़ा लगा दिया साथ में इधर क्रोकोडाइल इधर भी तो लगा तो कि, कि वो राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन और बीच में बगी पायरेट वो कैप्टन इट वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग इट वॉज एंड ठीक है, है क्योंकि भा, अंडर रख सकता है क्या पावर होगी ऑब्वियसली बात है भाई ये तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है अगर वो दोनों बंदे किसी के अंडर काम कर रहे हैं देर इज नो वे कि वो बंदा यों को नहीं बन रहा है क्योंकि पहले देखो सबसे पहले ना मीहॉक का क्या सीन था जब तक कि वो वॉर लौट था तब तक ये सीन था कि वो बंदा कहीं जा नहीं रहा किसी को परेशान कर नहीं रहा ठीक है वो अपना शांति में जी रहा है तो फिर कोई इशू था नहीं अब वो किसी के अंडर है तो फिर अगर वो बंदा जैसे बगी के अंडर है अभी वो बगी अगर कुछ एक्शन लेगा तो फिर ऑब्वियसली मीहॉक भी उधर जाके लड़ेगा और मीहॉक ऐसी फोर्स है जिसको ऐसे रोका नहीं जा सकता तो फिर ऑब्वियसली उसको योक योको का लेवल ऑब्वियसली मिलेगा ना भाई उनको फिर ठीक है और बगी बहुत आरामी चीज है यार बहुत आराम चीज ठीक ठीक है है सब हुआ, सब हुआ हुआ फिर उसके बाद बाउंड्री रिलीज हुई बगी की बाउंड्री आई थ्री बिलियन वन एटी नाइन मिलियन ठीक है? है और गैसकर मिहोक साढ़े तीन बिलियन क्रोकोडल की को याद नहीं है उसकी भी लेकिन हाँ अच्छी बाउंड्रीस टू बिलियन होगी भाई कसम से वो हो गया उसके बाद फिर क्रोकोडाइल देखता है मैं इसके अंडर हूँ ये ये बन गया भाई उसको खूब कूटते हैं खूब कूटते हैं उसे <laughs> अपनी तलवार लेके यहाँ बगी के इधर रख देता है और उसका ऐसे गला पकड़ के बैठा हुआ है ठीक है फिर फिर इनको खूब उनकी आर्ग्यूमेंट होती है फिर मीहो कहता है प्रोकड़ा हमारे लिए तो अच्छा ही है एटलीस्ट अगर हम कुछ कांड करेंगे तो इसके ऊपर आएगा सारा आ, बली आ, का बकरा बन गया बली का बकरा बनेगा तो मी हॉक बी लाइक देख भाई अभी से ना ऐसा बहुत ज्यादा टाइम पहले ना मेरा ना एक राइवल हुआ करता था ठीक है हम ना बहुत ज्यादा आपस में लड़ा करते थे फिर एक का छोटा सा बालक कहीं पे मिल गया उसके बाद से उसका हाथ गया और अब मैं बोरियत में पड़ा हूं अब मैं जाके उस छोटे से बालक की छोटी छोटी खरी वाला लाइन में थोड़ी चेंज करता हूँ अब मैं जाके उस छोटे से बालक की पहलना चालू करूंगा ठीक है

अब यार तुम एक को गॉड बना बना रहे हो, भी बना रहे हो ये हो ये कंफ्यूज क्लावन। उसके बाद कि सालों काम क्या किया उन्होंने उन्होंने मरीन पे बाउंड्री निकाली बेटे ले रिवर्स अब और भाई फिर फिर भाई क्या सीन होगा ना मतलब पायरेट्स ऐसा उनको हंट कर रहे हैं मरीन्स को। मरीन्स को हंट कर कर रहे रहे हैं हैं को लाइक बहुत पैसा बहुत है, है टेंशन नहीं है अपने को। and, उन्होंने लेवल्स के हिसाब से निकाली कि वाइस एडमिरल है तो इतना एडमिरल है तो इतना नॉर्मल है तो इतना बहुत ऑब्वियसली भाई वो अलग ही चीज है ना वो तो वो अपनी चॉइस से वाइस एडमिरल है वरना वो तो कब का एडमिरल फ्लीट एडमिरल भी बन चुका होता वो तो चॉइसेस के वजह से हम्म आ भाई वर्ल्ड मतलब पहले मरीन्स पायरेट को चेस करते थे अब उल्टा हो गया मरीन्स अब पायरेट से भाग रहे हैं पहले वो जाके लड़ते थे ना अब उल्टा हिसाब हो गया अब पता बहुत है, है।, है बहुत हैविक बहुत हैविक चल रहा है इन सब में हु इज टू ब्लेम टू बी ब्लेम्ड पूजितोरा बेटा तू ही लगा पड़ा था ना वॉर लॉर्ड सिस्टम हटाना देगा यार हटा दिया तो वो क्या कर रहे हैं अपने साथ भाई पूजी पूजितोरा का तो वैसे भी डिस वो कर रखा है कि तू किसी मरीन बेस में नहीं आ सकता निकाल दिया मरीन बेस से लात मार के अरे ड्रेसोसम ही तो हो गया था ये वही तो कह रहा हूं निकाल दिया सभी वहां से लात मार के वो वो जाके रेवरी में बैठा हुआ है ऊपर जाके ड्रैगन घर में आ भाई क्या सीन <laughs> अरे मरीन फोर्ड में नहीं जा सकता रेवरी तो अपना है और बता छोड़ू क्या हाल वहां पे ग्रीन ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन बुल, बुल, बुल मैं वही कह रहा हूं ग्री, ग्रीन बुल के साथ एक कप चाय हो जाए तो मजा आ जाए भाई मैं कह रहा हूं ग्रीन बुल का कितना ज्यादा मतलब उसको कितना सी दिखाया भाई कसम से हाँ भाई कुत्ता आकाइनू का कुत्ता आकाइनू का साफ बात

मोटा हो गया खाने पीने लग गया अपनी बिल्कुल जिम्मेदारियों से हट गया कुछ भी बोल लो ठीक है पोस्ट अपनी छोड़ दी उसकी जगह वो आ गया आ दो साल में बंदे के बाल इतने सफेद कैसे हो गए दो साल के अंदर हाउ इतने भाई हा? क्या <laughs> कलर करना बंद कर दिया सर <laughs> सर अनिल कपूर अनिल कपूर की जवानी सर हर किसी के पास नहीं है सर <laughs> यार नहीं लेकिन यार सीरियसली मतलब यार सेंगोकू ना बहुत अच्छा कैरेक्टर टिल एंड दी सीरीज डिजर्व करता है ठीक है बट उसका ना मजाक बना दिया कसम से और सब ज्यादा कब लगा जिस तरह से आकाइन ने उससे बात की क्या कहते हैं सेंगोकू से बट उसकी भाई अब इज्जत नहीं छोड़ी है कुछ सही बताऊ तो सेंगोकू की ठीक है और वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि सेंगोकू भाई डिजर्व करता है इज्जत भाई वो करता है ठीक है वो बंदा गार्क के साथ लड़ा ठीक है इवन रॉजर्स तक ने बोला कि अगर तेरे तुम लोगों को मुझे पकड़ना है तो तुम ये क्या तो गार चिंदी गार को राइवल में ठीक है और भाई उस बंदे को जिस बंदे ने मरीन फोर्ड लड़ा ठीक है सब कुछ डिसाइड किया सब लीड किया भाई उस बंदे को इतनी गंदी तरीके से दिखाना ना दो तीन चीजें जो सीरीज में नहीं होंगी तो ओडा जो है कैसे इतनी सारी मिस्ट्रीज को अब तुम ये देखो कवर करेगा आ, मैं इसी का कह रहा अब तुम जरा ये वाली चीज देखो कि इन्होंने इतना टाइम लगा दिया वाहनों को खत्म करने में ठीक है ठीक है अब इतने सारे आर्क अभी है आगे इतनी सारी मिस्ट्रीज है जो कि रिवील करनी अभी बाकी है जिसमें कि अल्बाफ वगैरह भी है अब ओडा ऐसे अब ओडा वो बंदा नहीं है जो कि भाई तेजी में चीजों को निकाल देगा सब कुछ मैसअप कर देगा वो अपना टाइम लेगा ठीक है चीजों के लिए और उस बंदे ने बोला पांच साल में खत्म कर दूंगा तो फिर मैं मानता हूं एक्सटेंड होते होते भाई वो छे साल कर देगा बट उससे लंबा नहीं करेगा क्योंकि वो बंदा भाई पांच साल का गोल लेके चल रहा है तो छे साल में तो खत्म कर ही देगा एटलीस्ट मांगा तो कर ही देगा

Hmm. वो बस हमें ये बोल सकते कि जिस आर यू इंटरेस्टेड इन अगर किसी एक लाल ने नहीं बोला और इसमें रैप्टे बजा देंगे वहीं की पीस नहीं जी चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, एक काम कर देखने छोड़ देख नॉट अ ट्रू वन पीस एक काम कर तू वो जाके भीम

जो लॉस्ट है मतलब जो अभी मूवी आने वाली है उसका नाम है लॉस्ट अब इसका क्या सीन है ना मेरे को चीज नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मांगा इसकी पढ़ी नहीं हुई है की, ठीक है तो मैंने जब लास्ट एपिसोड देख लिया तो काफी सारे लोगों ने नीचे कॉमेंट किया हुआ था कि लाइक इन्होंने मांगा से एंडिंग पूरी पूरी चेंज कर दी है जो एंडिंग इसमें दी है सेकेंड सीजन में इट वॉज नॉट इन मांगा ठीक है जिसके से कि लोग कंफ्यूज हो गए कि अगर एंडिंग ही चेंज हो गई

और यही मार्च अप्रैल के टाइम पे ही कुछ पे तो या बेबी ठीक है भाई भाई फर्स्ट क्वार्टर के गलत है आई अब अब सीन सुनो अब क्या हुआ मैं तुम्हें ये गूज आ गए यार रुक एक सेकंड अब पता है इसकी एंडिंग किस तरह से हुई है ठीक है ये एंडिंग इन्होंने सिर्फ इसीलिए दी मूवी के लिए ठीक है क्योंकि ये मूवी आने वाली थी इनकी हमें अभी जाद, कुछ ज्यादा नहीं आया मूवी का मतलब कुछ टीजर वीजर नहीं निकाला है सिर्फ एक पोस्टर निकाला है और उसमें बिल्डिंग्स जो कि रेकेंड है मतलब पूरी टूटी फूटी पड़ी है और सेकेंड सीजन की एंडिंग यही हुई थी एंडिंग भी वही है कि वो लाइक फाइनल विलन को हराया उसने सेकेंड सीजन में और आसमान में खड़ा हुआ है उसका वो जो आसमान में फ्लोट करता रहता है और एकदम से एक ब्लैक होल टाइप पोर्टल टाइप खुला एंड वो कहाँ पर पहुंचा वापिस जिस वर्ल्ड से आया था वहां पे रिवर्स ही से का और सबसे तगड़ी चीज जाते ही उसने सबसे पहले किसको पीटा होगा इस वर्ल्ड में आने से पहले जो दो बंदे नहीं थे जो लड़की के साथ गलत करने कोशिश कर रहे थे उनको उससे पीटा था उसने अपने सिकल से फिर से वो ही बंदे मिले उसी बंदी को पकड़ा हुआ है लेकिन अब यहां इस वाले वर्ल्ड में ना कुछ अजीब हो गया यहां पे क्या चल रहा है इसमें एक कॉन्सेप्ट आया कि काफी सारे मल्टीवर्स टाइप है ठीक है जिनमें कुछ में पावर्स है कुछ लोगों के पास किसी वर्ल्ड में पावर्स नहीं है वगैरह ठीक है और ये मल्टीवर्स ना आपस में कोलाइड होते जा रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा के हो रहा है काफी सारे वर्ल्ड में जहां पर मैजिक नहीं था इवन जिसमें अभी रिसेंटली जिस वर्ल्ड में इसकाई में वो पहुंचा था हमारा हमारे सिडकागनोन बोला जाता है कि उस वाले वर्ल्ड में पहले मैजिक नहीं था कोई दूसरा मल्टीवर्स का वर्ल्ड जो कि उसी टाइम लाइन का अराउंड घूम रहा था वो इससे आके मर्ज हो गया टकराने के वजह से जिसके बाद की इस वाले वर्ल्ड में मैजिक आ गया ठीक है तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड जिसके है कि जो उसका पुराना वर्ल्ड है कागन होगा जो रियल जहां से आया है जहाँ पे हमारा टोक्यो जापान वो सब है वहां पे भी हुआ और अब वहां पे भी लोगों के पास पावर्स आ गई और जो बंदी थी ना जिसको सिड़कागनो ने बचाया था उनसे लड़के उस बंदी के पास भी पावर्स आ गई और अब उसका कुछ अच्छा खासा नाम है वो बंदी बचाती है लोगों को ठीक है बट उन दोनों हरामियों ने फिर से उस बंदी को पकड़ लिया और वो जो बंदा था ना जिसको कुछ ज्यादा ही पीटा था वो बंदा बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है सिडकागनों को याद कर करके भाई उसने पीटा था वो बिल्कुल मेंटल हो चुका है जिसे कहते हैं उसने फिर से बंदी को पकड़ा है एंड फिर से छत टूटती है जैसे उसमें हुआ और फिर से आता है सिडकागनो हमारा फिर से उसी बंदे को पीटने और वो बंदा बोलता है यू आर अगेन भाई मतलब से फर्स्ट सीजन शुरू हुआ सेकंड सीजन वहीं पे जाके खत्म हुआ तो अब मुझे ये लग रहा है इन्होंने एंडिंग सिर्फ इसीलिए चेंज की अब यहां से शुरू होगी मूवी ठीक है क्योंकि तुम देखोगे ना मूवी का पोस्टर और जो सीजन खत्म हुआ है सेकंड सीजन दोनों में रैक एंड बिल्डिंग बिल्कुल सेम दिख रही है तो जो वो होगा लॉस्ट एक्स वो वहीं से शुरू होगा कि अभी इस वाले वर्ल्ड में आ गया कागरों के पास अपनी पावर्स अभी भी है ठीक है पावर्स नहीं गई वो यहाँ पे आ गया अब वो यहाँ के कांड वगैरह को संभालेगा और देन ही विल गो बैक इन दैट वर्ल्ड यही होगा कंटिन्यू तो फिर फिर हो मेरे को लगा एक भाई देखो उसको मैं भेजने वाले तो ट्रक को नहीं था तो पॉसिबली क्या पता फिर से मिल जाए अरे क्या पता फिर से ट्रक को नहीं उसको पहुंचा दे वापिस शेडो गार्डन वाले वर्ल्ड में <laughs> भाई लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज पावर ही होल्ड नो मैटर हाउ मच पावर ही होल्ड होल्ड पावर स्ट्रॉंगर देन ट्रकुन पावरफुल देन दैट मैन हीथिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रकुन ठीक है या ट्रकुन इज स्ट्रॉन्गर देन शैक्स लूफी नारूटो गोकू सैतामा एवरी वन गोजो Gojo, he's stronger than Gojo, Sukuna. Sukuna as well. No one is there in comparison with he's on like some whole other level. अच्छा, uh, जिस खबर मेरे को बोलने का था कि सोलो लेवलिंग का तुम्हें पता ही है कि प्रीमियर हो चुका है लाइक सिनेमा हॉल्स वगैरह में कर दिया ठीक है जिस मध्य हाँ सॉरी तो मतलब लोग 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 उसको देख देख के हद साधा हाइप हो रहे हैं ठीक है जितने रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं सब कुछ हर कोई भाई खुश है देख के जैसे कहते हैं ना खुश और वैसे ही ये वाली चीज है भी कि अगर वो बंदे एपिसोड का प्रीमियर कर रहे हैं वो लोगों को बुलाए बुला रहे हैं दिखाने के लिए स्पेशल वो देखे आ, एंट्री देखे, मतलब किस लेवल तो प्रोडक्शन की होगी तो उन्होंने किस लेवल की प्रोडक्शन की होगी और भाई एज सोलो लेवलिंग मानवा रीडर मेरे को पता है वो किस लेवल पे है ठीक है अब लोग उसकी तारीफ किए जा रहे हैं दबा के तारीफ चल रही ठीक है और ऐसे टाइम पर लोगों को एक साइट है ठीक है एक वेबसाइट है जो कि लाइक न्यूज वगैरह देती है हर हर तरीके की न्यूज वगैरह देती है जो कि एन की भी न्यूज देती है ऐसे टाइम पर जब लोग हाइप हो रहे थे खुश हो रहे थे उन्होंने लोगों को दे दिया हार्ट अटैक एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उन्होंने लिखा कि सोलो लेवलिंग प्रीमियर होगा कब हुआ था प्रीमियर ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में उन्होंने लिख दिया ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी थर्टी टू टू और थ्री आगे पीछे कर दिया ट्वेंटी थर्टी टू नौ साल आगे ले गए <laughs> भाई लोग बावले हो गए लोग क्या रहे भाई अभी तो ये कल परसों का बोल रहे थे तीन तीन तो इन्होंने ट्रेलर निकाल दिया क्या बोल रहे हो तुम तो? ठीक है भाई स्पैम हो गया भाई मतलब पता है एक तो सीन क्या है ना वो काफी ज्यादा बड़ी साइट है ठीक है काफी रेप्यूटेड साइट है अब काफी सारी जो छोटी साइट्स वगैरह होती है ठीक है न्यूज पोर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं मतलब एक दूसरे को देखते रहते हैं इस पर जो न्यूज आ गई वही हम भी डाल देंगे ठीक है थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसने डाला जल्दी जल्दी सबकी सब, सब साइट्स डालने लग गए ट्वेंटी थर्टी टू में आएगा ट्वेंटी थर्टी टू में आएगा विदाउट इवन कंफर्मिंग इट और पूरे गूगल में जो भी आर्टिकल सोलो लेवलिंग की रिलीज से खो, रिलेटेड खोलो सबके सब बता रहे ट्वेंटी थर्टी टू टू वै लोगों को हार्ट अटैक <laughs> लोग भी लाइक अभी तो प्रीमियर कह रहे थे तुम हरामियों अभी 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 कह रहे थे कुछ दिनों क्या में क्या हो, हो गए देखते, देखते, देखते। देखते। <laughs> भाई लोग हो गए बावले ठीक है फिर वो किया एडिट मारा चेंज किया ट्वेंटी थर्टी टू किया सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री किया <laughs> भी भी तुमने वही करवा दिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री किया माफी मांगी एंड गेस व्हाट बाकी पोर्टल्स ने क्या किया गलती पे डाल दी कि अपनी गलती नहीं है मालिक ने करा अपन ने कर दिया उसकी गलती है भाई तुम भी तो मानो तुम्हें भी तो रिसर्च करनी चाहिए तुम यहां से देख के वहां पे पेल रहे हो ठीक है फिर तुम गलती भी उसकी डाल रहे हो उसने तो नहीं बोला कि आके मेरे को कॉपी करो तुम वही है ना ठीक है अब वो सीन हुआ वही और... है अब देख हुँ? देख अगर कॉपी की बात चली रही है यहाँ पे मेरे तो को ना सर... मेरे को यहाँ पे बंदिया का एक वो डायलॉग याद आया सर, बहुत कॉपी देखेगा और लोगों ने ऐसा भी नहीं भाई हल्का फुल्का कॉपी कुछ परसेंटेज किया YouTube परसेंटेज भी बताते हैं YouTube परसेंटेज बताता हंड्रेड हंड्रेड परसेंट कॉपी की हुई है भाई डिस्क्रिप्शन भी हंड्रेड परसेंट कॉपी चैनल का नाम भी कॉपी ने हमारी हमारी बिजनेस ईमेल डाल रखी है उसने हमारा डिस्क्रिप्शन कॉपी किया उस बंदे ने ये तक नहीं देखा कि उस डिस्क्रिप्शन में आखिर है क्या क्या उसने लिटरली हमारी बिजनेस ई तक डाल दी उसने ऐसा करके किया ऐसा करके मैं मैं नहीं देख रहा क्या क्या है कुछ भी होगा मैं सब कुछ डालूंगा इधर से इधर हो गया अपलोड हो गया हो गया हो गया। तो पैसा आएगा चलो <laughs> हमें आ नहीं रहा तुम्हें आएगा <laughs> तुम्हें आएगा हमें हमें हमारी सैलरी अब तक मिली नहीं है तुम्हें मिलेगी और अcarried ये वाली बात तो शायद से तुम्हें पता होगी कि उसमें सोलो लेवलिंग में अली फैजल वो दे रहा है हिंदी वाली डबिंग में वॉइस हमारे गुड्डू भैया तो मजा आ जाएगा अगर एक मिर्ज़ापुर टाइप डायलॉग भी आ जाए उसमें क्या बवाल चीज है बे ओके आई गेस यहाँ पे आप इसको एंड करते हैं ठीक है क्योंकि इन भाई साहब को कुछ काम है और तुम मानोगे हम पिछले 5 घंटे से वाली पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ ना कुछ पंक्तियां हो रही हैं ठीक है कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं टेक्निकल इश्यूज डिस्कॉर्ड इश्यूज अदर वेबसाइट्स इश्यूज ट्राइंग आउट न्यू प्लेटफॉर्म्स टू रिकॉर्ड इश्यूज 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 माइक इश्यूज इतना सब कुछ हुआ है अभी इसी रिकॉर्डिंग के दौरान ठीक है हमने पहले डिस्कॉर्ड पे कर रहे थे अब हम मीट पे कर रहे हैं भाई बहुत कुछ हम इधर से उधर कूदे बहुत कोशिश किया बीच में हम खाना भी हमने खा लिया सब कुछ कर

अब अब मे, मेरे को भी सीधा फिर इसको एडिट करने के बैठने का है, तो फिर अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एंड ठीक है वी होप बोलो कर लियो पढ़ाई इसको मैंने ट्रॉमा दे दिया है लेकिन तुम लोग खुश हो <laughs> मैं नहीं दे रहा आउट दे ओके गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट फिटनेस डे वाली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर सायोनारा लव यू ऑल अरे आजाद आजा सल्यूट सल्यूट हेलो कम बैक अपना हाथ अपनाऊंगा ओके टाटा बाय टेक केयर सायोनारा